नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की, जहां आज पुणे के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22,900 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, और पीएम मोदी पुणे मेट्रो को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज पुणे दौरे पर रहने वाले अपने दौरे के दौरान महाराष्ट्र को पुणे को कई बड़ी जो योजनाएं है परियोजनाएं उनकी सौगात देते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात, 22,900 करोड़ की परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पीएम मोदी के दौरे को लेकर, क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुणे का दौरा है, शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लेकिन खास बात यह कि इस बीच भारी बारिश का अलर्ट दिया हुआ है महाराष्ट्र में, और जिस तरीके से पुणे में भी भारी बारिश हुई है उसके बाद वहां आयोजनकर्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं है कि दौरा जारी रहेगा या फिर इसमें बदलाव होगा या फिर ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे का दौरा उनका यथावत बना हुआ है। प्रधानमंत्री पुणे जाएंगे, वहां पर वो जिला न्यायालय से सर्वगेट पुणे तक चलने वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके अलावा 22,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, विकास परियोजनाएं, उनकी सौगात राज्यवासियों को देने वाले हैं। खास बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर अलग अलग योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं, उसमें अलग अलग जो वाहन से संबंधित जो परियोजनाएं हैं वो भी शामिल हैं। 225 करोड़ रुपए की लागत वाले 1,500 E20 यानी 20 इथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल है, रिटेल आउटलेट जो बनाए गए हैं वो भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री सोलापुर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें कनेक्टिविटी का बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। मौजूदा टर्मिनल को सालाना लगभग 4.1 लाख यात्रियों की सेवा के लिए नया रूप दिया गया है। तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लगे हुए हैं। ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं कि जो बारिश का भारी रेड अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद वहां पर जगह जगह बारिश हुई है, काफी मौसम में बदलाव है, ऐसे में शाम को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगे हुए हैं। फिलहाल ये कार्यक्रम नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम में जाते हैं तो कई महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से कई विकास योजनाओं की सौगात वो देते नजर आएंगे। पुणे मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, करीब 22,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं महाराष्ट्र वासियों को मिलेगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन भी रहेगा, और चुनावी बिगुल बजने से पहले महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घमासान है उसको लेकर एक राजनीतिक संदेश देने वाला ये प्रधानमंत्री का संबोधन रहेगा, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, फिलहाल आप प्रदीप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन